शीघ्र पतन, शीघ्र वीर्य पतन, रैपिड इजैकुलेशन, जल्दी संतुष्टि हो जाना, बेड पर नहीं टिकना, ताकत नहीं टिकना, ऐसे काफी सारी समस्याएं लेके लोग मेरे पास में आते रहते हैं। उसके बारे में आज बातचीत करने वाला हूं, उसका घरेलू उपचार क्या है। तो आइए, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दीपक केळकर, अकोला में पिछले 38 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज बात करूंगा प्री मैच्योर इजैकुलेशन अर्थात शीघ्र पतन के बारे में, उसका घरेलू उपचार क्या है। क्या है कि लोगों को दो तरह का शीघ्र पतन होता है। एक है पहले से ही शीघ्र पतन है, उसको बोलते हैं प्राइमरी इजैकुलेशन, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, और दूसरा है सेकेंडरी प्री मैच्योर इजैकुलेशन। मतलब पहले से उनको, शादी के पहले से भी, मतलब उनको जल्दी जल्दी गिर रहा है, उसको प्राइमरी बोलते हैं। और दूसरा जो है कि पहले अच्छा था और बाद में अभी ये तैयार हो गया शीघ्र पतन। फिर सवाल ये आता है कि शीघ्र पतन बोलते किसको है। शीघ्र पतन इसको बोलते हैं कि भाई एक मिनट के अंदर, मतलब योनि में लिंग का प्रवेश होने के बाद एक मिनट के अंदर यदि गिर जाता है तो उसको शीघ्र पतन बोलते हैं। नॉर्मल टाइमिंग जो अनेक अलग अलग स्टडीज में बाहर निकल के आया हुआ है वह 5 मिनट और 40 सेकंड अप्रोक्सीमेटली एवरेज में। कुछ लोग 3 मिनट से लेके 20 मिनट तक चलते हैं, 3 मिनट है तो 20 मिनट, ऐसा मतलब इतना लोगों का वेरिएशन है। अब ये बढ़ाने के लिए क्या करना है, लोगों का सवाल आता है। क्योंकि क्या होता है इसमें कि एक तो जो पार्टनर है वो खुश नहीं रहती है, वो चिड़चिड़ करती है, उसका समाधान नहीं होता है, वो फिर नेक्स्ट टाइम तैयार नहीं होती है सेक्स करने के लिए। अच्छा, घर में समाधान नहीं मिला तो बाहर फिर कहीं ना कहीं संपर्क प्रस्तावित करती है, बाहर अपना समाधान कर लेती है, तो फिर इसका इलाज करना होगा, नहीं तो विवाह जो है, शादी वो खतरे में आती है, रिश्ता खतरे में आता है। मनुष्य जो है, मतलब पुरुष, उसको भी समाधान नहीं होता। औरत बोलती है मैं तो शुरू भी नहीं हुई, आप खत्म हो गए, अब मैं कहाँ जाऊँ, तो वो इसकी इच्छा नहीं होती है, फिर वो चिड़चिड़ करती है, झगड़ा झंझट करती है, मायके चले जाती है, सेपरेट हो जाती है, क्योंकि उसको समाधान ही नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसके लिए दोनों का समाधान होना जरूरी है, टाइमिंग का छोड़ दो। क्योंकि समझो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि औरत को ज्यादा समय लगता है, बहुत हो सकता है कि औरत 10 मिनट तक चाहती है और आदमी 4 मिनट में ही खत्म हो रहा है, तो फिर तभी भी वो समाधान नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। एक दो बार कभी कभी ऐसा हो गया तो उसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन बोलते नहीं है। कम से कम ये 3 महीने तक ऐसा लगातार जल्दी गिर रहा है तो उसको हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन बीमारी ऐसा बोलते हैं। इसके साइकोलॉजिकल कॉजेस है, मतलब मानसिक कारण है, तो उसे मेडिकल कॉजेस भी हो सकते हैं। तो मेडिकल कॉजेस में हाइपर सेंसिटिविटी है, कुछ इंजरी हो चुकी है, या कभी कभी किसका खतना होने के बाद में ये हो जाता है, कुछ दवाइयां उसकी वजह से भी ऐसा होता है। साइकोलॉजिकल कॉजेस में परफॉर्मेंस का डर कि मैं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, टिक पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, वो औरत क्या बोलेंगी, मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या वो खुश होंगी क्या, फिर कोई आने वाला है, कोई आ जाएगा, पकड़ लेगा, जल्दी जल्दी करना है, पुलिस आएंगी, कोई वेश्या के पास में जा रहे तो बोलती पुलिस आएंगी, ऐसा होगा, मतलब वो डर है, कोई देख लेगा, घर वाले बाहर गए हैं या रात को कर रहे, कोई आने वाला है, मतलब ऐसे बहुत डर है मन में, और फिर फटाफट आप कर ले तो उसकी आदत लग जाती है। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी करके होती है कि भाई परफॉर्म करने की चिंता, एंग्जाइटी मैं कर नहीं पाऊंगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोगों को इरेक्शन तो आता है, टाइटनेस आता है, मगर वो अंदर जाने के बाद में उनको डर ये लगता है कि अभी वो ढीला हो जाएगा, इसलिए जब भी थोड़ा भी टाइटनेस आ गया तो वो योनि में लिंग का प्रवेश करते और फटाफट जल्दी इजैकुलेशन कर देते हैं ताकि फिर वो ढीला ना हो जाए, ढीला हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि पुरुष को तो समाधान मिल जाता है, स्त्री को मिलता नहीं है, और उससे भी प्रॉब्लम होता है, मतलब इरेक्शन भी आ रहा है, पुरुष को भी समाधान मिल रहा है, मतलब औरत असमाधानी है। तो इसका इलाज क्या करना है, इसका इलाज ऐसा है कि एक तो आप दवाइयां ले सकते हैं, जो दवाइयां जो है SSRI जो है, फ्लॉक्सेटिन है, फिर SSRI ग्रुप की सभी दवाइयां जो है, सर्ट्रालिन ग्रुप की दवाइयां हैं, फिर एसिटालोप्राम है, पेरोक्सिटिन है, उसके साथ साथ फिर हम बेंजोडाइजेपिन्स, थायरॉयडेजिन, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ऐसी अलग अलग दवाइयां देते हैं, फिर क्लोमिप्रामिन है, वो कभी बहुत लोगों को बहुत अच्छे काम में आती है। और जो लोगों को ये डर लगता है कि टाइटनेस निकल जाएगा, उनको फिर टाडालाफिल, सिल्डेनाफिल के साथ में दवाई देते हैं। फिर लोकल स्प्रेज है, लोकल ऑइंटमेंट्स है, लोकल एनेस्थेटिक कंडोम्स है, उसका वापर करते हैं। मगर मैं घरेलू उपचार ये बोलूंगा कि भाई आप घरेलू उपचार बिना दवाई का करना चाहते हो तो कीगल्स एक्सरसाइज, मेरे अलग वीडियो है,
उसकी लिंक कीगल एक्सरसाइज की आपको मिल जाएंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। और दूसरा स्टॉप स्टार्ट स्क्वीज टेक्निक जो है, तो वो टेक्निक की भी लिंक मिल जाएंगी, उसका भी अलग वीडियो है। तो वो आप यदि करते हैं तो वो घरेलू उपचार आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको टिकना संभव होगा, ज्यादा समय तक टिकना संभव। लोगों को इतना समय नहीं है, लोगों को तुरंत रिजल्ट चाहिए। फिर हम क्या करते हैं कि भाई स्टॉप स्क्वीज स्टार्ट टेक्निक जो है वो बताते हैं, कीगल एक्सरसाइज बताते हैं, लोकल स्प्रे, लोकल जेल, लोकल एनेस्थेटाइज कंडोम्स, फिर उसके साथ साथ मेडिसिन, ऐसा सब कॉम्बिनेशन देते हैं ताकि उनको जल्दी फायदा हो जाता है। और मैरिज जो स्टेक पे लगा हुआ है, दांव पे लगा हुआ है मैरिज के, भी वो बोलती है नहीं अभी नहीं करेंगे, टिकेंगे नहीं तो मैं भाग जाऊंगी, तो उस समय फिर दवाई लेना जरूरी होता है। अब इसके साथ साथ क्या खाए, खाने पीने में यदि आप देखते हैं तो लहसुन मेथी ये बहुत काम में आती है, उसके ऊपर काफी सारी स्टडीज भी है। जिंक कंटेनिंग जो खाद्य पदार्थ है तो उसमें गाजर, टमाटो, कुकुम्बर मतलब ककड़ी, और इसके साथ साथ अनियन, फिर तरबूज मतलब वाटरमेलन, तो जो है ये आप खाते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क अच्छा पड़ता है। और लहसुनी मेथी की सब्जी, फिश, ये बहुत अच्छा काम में आता है। तो ये सब लेते हैं तो आप ज्यादा टिक पाओगे। ज्यादा जो है फर्क देने वाला वो है कि दिमाग शांत रख, मेडिटेशन करना, हिप्नोटिज्म करना, सेल्फ हिप्नोसिस, ये सब आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा समय टिकने के लिए आसानी होगी। क्या है कि यदि आप हिप्नोसिस में, यदि आप विजुअलाइजेशन करते और विजुअलाइजेशन में आप ये करते कि मैं टिक रहा हूँ, मैं सम्मुख तो चालू है, सम्मुख तो कर रहा हूँ, आंखें बंद करके सोच रहे सम्मुख तो कर रहा हूँ, मगर आप मैं रिलैक्स, एकदम रिलैक्स रिलैक्स है और मैं ज़्यादा समय तक टिक रहा हूँ, ऐसा यदि आप इमेजिनेशन करते हैं रूम में बैठे बैठे, कमरे में बैठे बैठे, अकेले में, तो डेफिनेटली आप जब एक्चुअली करेंगे तो आपको फायदा हो। तो आप करके देखिएगा, जरूर फायदा होगा। इसमें यदि आपको दवाई चाहिए या हमारा कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुए, इसके ऊपर आप डॉक्टर्स कंसल्टेशन नाम मात्र हम 150 रुपये लेते हैं शुल्क, तो वो आप पे करो, वो लिंक के ऊपर आपको हमारे डॉक्टर का कॉल आ जाएगा, वो आपसे हिस्ट्री लेंगे, मेरे से बात करेंगे और वहाँ से फिर हम आपको यहाँ से दवाई मेडिकल से रवाना कर देंगे। तो आपके जिसके बारे में कंसल्टेशन चाहिए हमारे हॉस्पिटल से, तो आप नीचे दिए हुए लिंक के ऊपर नाम मात्र सिर्फ 150 रुपये आप कंसल्टेशन फीस भेज दीजिएगा और आपको फ़ोन आ जाएगा, बाद में हम आपको आपकी बीमारी पूछ के आपको दवा भेज देंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि हमें जो फ़र्क लाना है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, लोगों का वैवाहिक जीवन सुखी करना है, इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।